नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्राई लायन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको बीच बीच में नॉलेज बाइट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इससे नॉलेज गेन करते रहें, क्योंकि इस चैनल में हम हर दिन कुछ ना कुछ नॉलेज बाइट शेयर करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप कॉमेडी शोज देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, कॉमेडी मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर कॉमेडी सीरियल या फिर स्टैंड अप कॉमेडी को देख के ज़्यादा हंसते हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं तो ये आप जाने अनजाने में खुद का बहुत ज़्यादा फायदा कर रहे हैं। अगर नहीं देखते हैं तो आज के बाद मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ कॉमेडी सीरीज या फिर कॉमेडी मूवीज़ या फिर कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर कोई भी चीज़ देखा करिए। उसका कारण मैं अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि कॉमेडी सीरीज या फिर कॉमेडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जब आप देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका कहीं ना कहीं लंबी उम्र होगा, आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। उसके कई सारे कारण हैं, तो उनमें से मैं आज 5 कारण यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है कॉमेडीज मूवीज देखने का बेनिफिट्स के बारे में है, या फिर कॉमेडी चीज देखने से हमारे शरीर के ऊपर क्या अच्छे प्रभाव पड़ते हैं उसी के बारे में है। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहला चीज मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपको कॉमेडी रिलेटेड चीज ज्यादा देखनी चाहिए, उसका सबसे पहला चीज है कॉमेडी देखने से आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। जी हाँ दोस्तों, कॉमेडी मूवीज या फिर कॉमेडी सीरियल जब आप देखते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, यानी कि आप स्ट्रेस फ्री रखते हैं। बीच में अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि जो लोग कॉमेडी मूवीज या फिर कॉमेडी सीरियल्स या फिर स्टैंड अप कॉमेडी से जुड़े चीज़ें देखते हैं, उनका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो लिटरली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब आप कॉमेडी देखते हैं तो हंसते हैं और हंसने की वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज होता है। क्या क्या है स्ट्रेस हार्मोन? जनरली क्या होता है, कोर्टिसोल बोल के एक स्ट्रेस हार्मोन है, और उसी के साथ डोपाक बोल के एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो तीसरा जो चीज है एपिनेफ्राइन, ठीक है, एपिनेफ्राइन, कोर्टिसोल और डोपाक, ये 3 काइंड का जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। आप जब भी कॉमेडी सीरियल देखते हैं तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि कोर्टिसोल जो है वो 39% डिक्रीज हो जाता है, एपिनेफ्राइन जो चीज़ है वो 70% तक डिक्रीज हो जाता है, और डोपाक जो स्ट्रेस हार्मोन है करीब करीब 38% तक डिक्रीज हो जाता है कॉमेडी देखने से। मतलब लगभग आप तो ये कह सकते हैं कि कॉमेडी से रिलेटेड चीज़ें देखने से जब आप जोर जोर से हंसते हैं तब आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, दिमाग शांत रहता है, आप अच्छे रहते हैं। ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कॉमन कारण क्या है, मैं क्यों आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपको उम्र बढ़ सकता है कॉमेडी देखने से, दूसरा कारण है मसल रिलैक्सेशन। जी हाँ, जब भी आप कॉमेडी चीज देख के जोर जोर से हंसते हैं तो क्या होता है, मसल के पास ऑक्सीजन का लेवल हाई अमाउंट में पहुंचता है। जी हाँ, हाई ऑक्सीजन जो है वो पहुंचता है ऑक्सीजन के पास, जिससे क्या होता है कि मसल में जो टेंशन बिल्ट होता है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, यानी कि अपने आप लोग का जो शरीर का विभिन्न जगह पे जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जब भी आप हंसते हैं वहाँ से लेकर 1 घंटे तक आपका मसल्स जनरली रिलैक्स रहता है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मसल रिलैक्सेशन के लिए कम से कम आप कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं। तीसरा चीज क्या हो सकता है, मैं आप बता दूं, तीसरा है कि जब भी आप देखते हैं वो है क्या कि आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है जब भी है आप भी कॉमेडी से चीजें देखते हैं। मतलब आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सकता है, मैं डिक्रीज नहीं कहूंगा, मैं यह कहूंगा मेंटेन रहता है। ये कैसे होता है, असल में हम लोग जब भी जोर जोर से हंसने लगते हैं कॉमेडी चीजें देख के तब क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट का जो रेट है उसी के साथ जो रेस्पिरेटरी रेट है ये दोनों बढ़ जाता है, हार्ट बीट रेट और रेस्पिरेटरी रेट ये दोनों बढ़ जाता है, जिससे ये होता है कि जब हम हंस चुके हैं यानी कि हंसने के बाद ये दोनों, ये जो हार्ट बीट रेट और रेस्पिरेटरी रेट अचानक से फिर से डिक्रीज होने लगता है, मतलब पहले जोर से इंक्रीज होता है बाद में दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज के प्रोसेस में हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है ये मेंटेन रहता है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं जरूर फिर से रिकमेंड करूंगा कि कॉमेडी रिलेटेड देखते रहिए। चलते हैं चौथे कारण के बीच, क्यों आपको ये देखना चाहिए। देखिए, आप लोग मोटापा घटाने के लिए, कैलोरीज को बर्न के लिए करने के लिए कई सारे काम करते हैं। कई सारे मतलब आप लोग दौड़ते हैं, जिम जाते हैं, दूसरे चीज़ करते हैं, कोई ग्रीन टी पीता है, कई सारे काम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप चाहें तो सिर्फ हंस हंस के भी अपना कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब आप कॉमेडी सीरियल देखते हैं या फिर कॉमेडी मूवीज देखते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट जो कि वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो उस यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि अगर आप 10 से 15 मिनट तक लगातार जोर जोर से हंसते हैं तो आपके शरीर में से 50 कैलोरी बर्न हो जाता है। जी हाँ, सिर्फ 10 और 15 से 50 कैलोरी तक बर्न होता है। खास करके जब तक पेट दर्द करने लगता है, उसी काइंड का अगर हंसी आप 10 से 15 मिनट हंसते हैं तो 50 कैलोरी तक आपका बॉडी से बर्न हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, आपका मोटापा घट सकता है और आप सही से बॉडी मेंटेन रह सकता है। चलते आखिरी पॉइंट, क्यों हमको कॉमेडी से रिलेटेड चीज देखनी चाहिए। आखिरी पॉइंट ये है कि ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को सतेज रखता है, स्टिमुलेट करता है। बार बार कैसे होता है, देखिए जब भी हम कॉमेडी रिलेटेड कोई भी चीज देखते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रेन का कई सारे रीजन एंगेज रहता है। ब्रेन का अलग अलग रीजन है, कई सारे रीजन एंगेज रहता है। उनमें से दो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एक है मोटर कॉर्टेक्स और दूसरा है न्यूक्लियस अकम्बेंस। जी हाँ, मोटर कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस अकम्बेंस, ये जो पार्ट्स हैं, ये दोनों हमारा मूवमेंट और इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़ित है। मतलब हमारा जो इमोशन होता है वो इन दोनों पार्ट से जुड़ी हुई है, और हमारा जो मूवमेंट होता है, चलना फिरना, ये सब ब्रेन के ये जो दो पार्ट है, मोटर कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस अकम्बेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब आप हंसते हैं तो क्या करता है, हंसने की वजह से हमारा ब्रेन का ये जो दोनों मेन एरिया है, ये क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि रिफ्रेश हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, इमोशनल कंट्रोल हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, मूवमेंट ठीक ठाक होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कारण थे, मैंने बोला कि आपको क्यों कॉमेडी रिलेटेड चीजें ज्यादा देखनी चाहिए, जिससे कि आपका शरीर अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे। तो मेरे दोस्त, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका कभी पार्ट टू बना दिया करूंगा, और भी कई सारे रीजन है जिससे कि कॉमेडी चीजें आपको बार बार देखनी चाहिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। लेकिन दोस्तों प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरह की नॉलेज वाइट आपको पहुंचती रहेगी इन फ्यूचर। तब तक के लिए विदा दीजिए आपका दोस्त और होस्ट दीप्ति को, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक मजेदार नॉलेज बाइट के साथ। मुझे विदा दीजिए, तब तक टाटा बाय बाय।